आज सुनेंगे 6 दिसंबर 1969 की अव्यक्त वाणी। सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी थी और विशेष आकर्षण भी है। स्नेह तो सभी का है ही, आपको किस लिए बुलाया है ऐसे समझे। यह जो भी सभी आए हैं वह वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना, ये दोनों सीन देखे। ये ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास ही। यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। यह रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है उसका भी बहुत गुह्य रहस्य है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उनमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उसको सभी का सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेंगी। पर सभी को प्रिय लगता है सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। इसीलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होंगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है।
अपने को कैसे मोल्ड करें इसके लिए भट्टी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में? भले मोड़ना आता भी है लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। समय ना लगे वह संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी से ऐसा बन कर के निकलना है जो हर संकल्प हर शब्द सिद्ध हो। वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है? वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के ना जाए अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों के वैल्यू को परखेंगी। इस भट्टी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। और म्यूजियम तो बहुत बनाए लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं? इस चेहरे के म्यूजियम में कौन से चित्र फिट करेंगे? म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन कराना होता है, फिर ओपिनियन लेना होता है। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में तीन मुख्य चित्र हैं, प्रकृति, नयन और मुख। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। जैसे त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, ये तीन मुख्य चित्र है ना, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वैसे ही इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से यह चित्र अपनी तरफ आकर्षण करे। आकर्षण होने के बिना रह नहीं सकेंगे। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो ना कि चित्र ऐसे डेकोरेट हो जो दूर से आकर्षण करे, किसको बुलाना ना पड़े। वैसे ही आप हर एक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है। जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रग में समा देना है। जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की
गहराई में जाओ और अपने एक एक रग में वह संस्कार समाओ। कोई भी चीज को किसमें समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है, कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्टी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है, ऐसा बनना और फिर बनाना है, समझा? इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे वह कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करे तो सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है? उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पांव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पांव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रचना जो आप आत्माओं में भरी हुई है वह और कोई में भी नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंचे भाग्य को सदैव सामने रखना है। सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। अच्छा, ओम शांति।